हाय एवरीवन, आज हम आए हैं कटनी के कारीतलाई विष्णुवराय मंदिर। ये जो है वो पुरातत्व विभाग में भी आता है और इसकी हिस्ट्री इतनी पुरानी है कि यहाँ राजा कर्ण का भी विवरण है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि विष्णुवराय मंदिर कैसा है और यहाँ पे कौन कौन सी पुरातत्विक चीज़ें मिलती हैं। तो हम पहुंच चुके हैं इंडियन आर्कियोलॉजिकल साइट विष्णुवराय मंदिर। तो चलिए मैं आपको अंदर की ओर ले चलता हूं और दिखाता हूं कि कितने खूबसूरत नज़ारे यहां आपको देखने मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यह पॉइंट एक आर्कियोलॉजिकल पॉइंट है और मेरे पीछे जो आप मूर्ति देख रहे हैं यह विष्णुवराह जी की है। विष्णुवराह मतलब जब विष्णु भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए जो अवतार धारण किया था वो वराह अवतार था और उसका एक्चुअल जो रूप है वो आपको यहाँ इस मंदिर में देखने मिलेगा। और भारत के किसी भी कोने में आपको यह मूर्ति देखने नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो किसी न किसी प्रकार से रूपांतरित होगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि यह विष्णुवराह कैसे दिखाई देते थे। यह जो मूर्ति दिखाई दे रही है इसकी खूबसूरती इसी बात से जानी जा सकती है कि यह सिंगल शिला यानी कि सिंगल पत्थर पर बनी हुई है। इसको बनाने के लिए कोई दूसरा पत्थर यूज़ नहीं हुआ है, यह सिंगल पत्थर पे थी। इसकी जो नक्काशी है, जो भी आप देखेंगे यहाँ पर जितना भी वर्क आप देख रहे हैं, यह छेनी और हथौड़ी से बनाया गया है उस दौरान पर, और किसी भी अन्य पत्थर का विवरण यहाँ पर नहीं है। तो चलिए मैं आपको इसकी नक्काशी को बारीकी से दिखा देता हूँ। बड़ी बारीकी से बनाई हुई नक्काशी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना गहराई से यहाँ पर नक्काशी की गई है। और इस मूर्ति पे जब आप देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी मूर्तियाँ, छोटे छोटे आकृति आपको दिखाई देगी, जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ किसी मनुष्य की आकृति है और योगासन में बैठा हुआ है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो नक्काशी है ये जैसे कि हम माला या फूल अभी के दौरान पर देखते हैं, उस नक्काशी को इस पत्थर पर उतारा गया है। और साइड व्यू जो इस मूर्ति का है यह तो बड़ा ही खूबसूरत है। आज के दौरान पर आप देखोगे तो बोलोगे कि यह बनाना नामुमकिन है किसी भी इंसान के लिए छेनी और हथौड़ी से। स्थानीय लोगों के हिसाब से इस मूर्ति की एक और खासियत है, वह खासियत है कि यदि इस मूर्ति के पीछे के पैरों के बीच से अगर कोई इंसान निकल जाता है तो वह इंसान पापी नहीं कहलाता, और अगर कोई इंसान फंस जाता है तो उसने अपने जीवन में बहुत पाप किए होंगे। तो चलो हम भी ट्राई करते हैं कि हम पापी हैं या अच्छे इंसान हैं। चलिए मैं ट्राई करता हूँ भगवान के पैरों के बीच से निकलने की कि मैं पापी हूँ या नहीं हूँ। लेट्स ट्राई। मैं इसके नीचे से निकलने में असमर्थ रहा, ज़रूर कुछ ना कुछ पाप तो मैंने किए होंगे, बिना पाप के तो दुनिया चलती नहीं है। मूर्ति दर्शन के बाद मैं आपको राजा कर्ण के किले के अवशेष दिखा देता हूँ जो कि मोहम्मद गजनबी ने तोड़ दिए थे जब उसने भारत पर आक्रमण किया था और जीत दर्ज की थी। जितने अवशेष आप मेरे पीछे देख रहे हैं यह सब तोड़े हुए अवशेष हैं और भारत सरकार ने इसको संग्रहित कर कर रखा हुआ है। और मेरे पीछे एक आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, यह जो बिल्डिंग है इसमें काफ़ी सारी ऐसी मूर्तियाँ हैं जो अरबों खरबों की हैं और इसे देखना अलाउ नहीं है भारत सरकार की तरफ से। तो चलिए मैं आपको अवशेषों में की हुई बेहतरीन नक्काशियों को दिखा देता हूँ, तो आइए मेरे साथ।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ हैं वह सारी की सारी एक ही पत्थर पर नकाशी की गई है। माने कोई भी मूर्ति आप देखोगे तो उसमें दो या तीन पत्थर का यूज़ नहीं हुआ है, सिंगल पत्थर पर आपको छेनी और हथौड़ी से नकाशी देखने मिलेगी। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक जो लेडी है वह दरवाजे पर किसी का इंतज़ार कर रही है, ऐसी नकाशी यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। मेरे पीछे जो आप यह वाली मूर्ति देख रहे हैं यह किसी प्रकार के भगवान को प्रदर्शित कर रही है, और आप देखिए इसकी नकाशी जो है वह कितनी खूबसूरत है। इन सारी नकाशियों के बाद मैं आपको एक पुराने प्रतिष्ठित भोलेनाथ जी के दर्शन करा देता हूँ, और जब भी आप यहाँ आइएगा उनका आशीर्वाद भी ज़रूर लीजिएगा। स्थानीय लोगों के हिसाब से जब भी आप यहाँ आएंगे तो इस शिला के दर्शन करना मत भूलिएगा। चलिए मैं भी दर्शन कर लेता हूँ और इनका आशीर्वाद ले लेता हूँ, और आप भी जब भी आइएगा तो इस शिला का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। और यह शिला जो है वह विष्णु वराह जी की मूर्ति के जस्ट सामने आपको दिखाई देगी। शिवलिंग के बाद मैं आपको पुराना एक कुंड दिखा देता हूँ जहाँ पर राजा कर्ण स्नान करते थे। राजा कर्ण ने जब वे विष्णु वराह जी का मंदिर बनवाया था तब अपने लिए छोटा सा किला भी बनवाया था, और यहाँ पर वह स्नान करते थे। लेकिन आज की डेट में यहाँ पर सिर्फ आपको मेंढक टर टर करते हुए दिखाई देंगे, और पानी के ऊपर बिल्कुल काई लग चुकी है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ आना सेफ नहीं है। कभी भी आप आइएगा तो पानी के नीचे उतरने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। राजा कर्ण की बावली के बाद मैं आपको बचे हुए किले के बाउंड्री के अवशेष दिखा देता हूँ, और वहाँ की भी जो नक्काशी है, जो बनाने का तरीका है, वो बेहद खूबसूरत है, आप ज़रूर देखिएगा। मेरे देखने के हिसाब से यह भी किसी भगवान का स्वरूप दिख रहा है, क्योंकि यह जो आपको मुद्रा दिख रही है यह मुद्रा नॉर्मल नहीं होती। या तो कोई योगी पुरुष होता है, या योगी महिला होगी, या कोई ना कोई भगवान ज़रूर होंगे। बाउंड्री की नकाशी के बाद हम एक मूर्ति देखने चलेंगे। उस मूर्ति के बारे में हमें यह तो नहीं पता है कि मूर्ति किसकी है, क्योंकि वह खंडित हो चुकी है, लेकिन उसका स्वरूप मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस मूर्ति का जो है धड़ यानी कि सिर नहीं दिखाई दे रहा है, इसी कारण से हमारे लिए यह जानना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है कि यह राजा कर्ण की मूर्ति है या तो किसी और प्रकार की मूर्ति है, या तो इसमें किसी देवी देवता का विवरण था। तो हम अभी यह तो बता नहीं पा रहे हैं, शायद आप जान पाएँ, इसलिए मैंने आपको इस मूर्ति का दर्शन कराया। मूर्ति के पीछे जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर काफ़ी सारी पुरातात्विक मूर्तियाँ रखी गई हैं, और यहाँ पर हमें अलाउ नहीं है अंदर जाना, फिर भी हम जाकर वहाँ पूछते हैं कि उसका कारण क्या है। जैसे कि मैंने बताया था, इस गेट में ताला लगा हुआ है, और यहाँ पर आपको पुरातात्विक काफ़ी सारी मूर्तियाँ ऐसी दिखाई मिलेंगी जो अरबों या खरबों की भी हो सकती हैं, जिसकी हमें जानकारी नहीं है। अगर आपको यहाँ आना है और इसके अंदर जाना है तो आपको पुरातात्विक विभाग के सीनियर से परमिशन लेना पड़ेगा, और आपको वह परमिशन यहाँ लाकर दिखानी पड़ेगी और आपको एंट्री मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। फिर कोई ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।